निर्देशक हरजीत रिक्की कॉमेडी विच कामयाब ना होने तो बाद पंजाबी पर्दे ते कुछ वखरा करन जा रहे ने। शनिवार नूं चंडीगढ़ विच उन्होंने अपनी नवी पंजाबी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन अमृतसर बारे दस्या। जिदा कि हुणी नवे नवे एक्सपैरिमेंट होए, पहलों तो की है कि हर प्रोड्यूसर आते सी और कॉमेडी कॉमेडी बना दो, आ सारे ले लो ते फिल्म हिट है। लोग बोर हो गए, फिर अंग्रेज वर्गियां फिल्म आईयां, अरदास वर्गियां फिल्म आईयां, किन्नियां पसंद कीतियां। तो उस दरम्यान ही असी भी जिदा वो सोच रहे सी कुछ अलग करिए, इदा असी भी सोच रहे सी कुछ अलग करिए। तो एक बड़ा सेंसिटिव इशू सी ये, मतलब जो हमेशा दंगे फसाद करा देता है, सड़कों के जाम लवा देता है, पर उस नौबत तक असी पहुँचते क्यों हाँ, वो इशू सी। तो सानू लगा कि यार असी इस गल नू साडे भी कुछ फर्ज बनते हैं एज ए डायरेक्टर, साडा यही मतलब नहीं है कि कॉमेडी बनाओ पैसे कमाओ, सोशल समाज लिए कोई सेवा करनी भी, सोशल सर्विस करनी भी साडे लिए बहुत जरूरी है नाल दी नाल। तो ये सोचा और फिर असी ये कॉन्सैप्ट तैयार किया। देख बहुतियां गल्लां करन दा टाइम नहीं मेरे कोल। फिल्म दे टाइटल तो उल्ट ए फिल्म अज दे पंजाब दी कहानी है अते दर्शकां लई इक वड्डा सुनेहा छड्डेगी। मेरी फिल्म यही तो कम कर रही है कि वो जड़ा कह रहा है कि वो नारे ला रहा है मैं ये हूँ, ये नारे ला रहा है ये है, एक खत्म नहीं। असी कौन हाँ, ह्यूमन इंसान, जो असी जन्म लिया सी ना उदों असी सिख सी, ना असी मुसलमान सी, ना हिंदू सी। रब ने सब नू मानस की जात सब एक है पहचान, फिर रौला किस गल दा। अप्रैल में रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर पहला ही विवादा च है। इस विच श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा अंदर हिंसा विखाउण करके निंदा हुई सी। वो सीन कटता सी, कदा कटता है वो जिस सीन ते उन्होंने लग रहा है कि यह प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम है, कदा असी कट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हले ट्रेलर ही देखा, फिल्म देखी नहीं सी। दैट्स वाई उन्होंने लगा कि कोई शायद यूट्यूब से कुछ लोगों ने फेसबुक से पाता कि खाड़कूवाद दिखाता इन्होंने, शायद ब्लू स्टार से कुछ दिखाता है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई। जबकि इदा का कुछ नहीं, फिल्म च गुरु घर ली फिल्म बनी है, गुरु घर की मर्यादा के अनुसार बनी है। उम्मीद है पंजाबी सिनेमा विच हो रहे नवे तजर्बे का यह फिल्म भी हिस्सा होगी।